विरोच जी, वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए। वीरेश, कुछ विधायकों ने जो कुछ विधानसभा में बोला वो तो हमने रखा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित कौन कौन सी विधायक रही, किस तरह की चर्चा रही, मैं चाहूंगा ये भी आप जरूर दर्शकों को बताएं। देखिए, जो विधायकों ने बातें की उसमें बहुत सारे ऐसे विधायकों का जिक्र हुआ कि फला विपक्ष की विधायिका ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, फला जो सत्तारूढ़ दल की विधायिका है उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन एक चीज हमें देखने को मिली, जब पक्ष और विपक्ष की महिलाएं आपस में मिलकर बात कर रही थी गैलरी में, तो जो पुरुष थे जिन्हें आज बोलने का मौका नहीं मिला, वो सारे एक तरीके से अक्रॉस द पार्टी लाइन आकर वो सभी महिलाओं का पीठ थपथपा रहे थे और कह रहे थे कि आपने तो शानदार काम किया है, बहुत अच्छा बोला, अगर ऐसा मौका मिलता रहे तो आप लोग बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाओं की प्रतिभा जो दबी हुई थी वो निखर कर सामने आई, ऐसा सतीश महाना ने जब सत्र खत्म हुआ, सत्र यानी जब समय खत्म हुआ तो महिला जो बैठने का विश्रामालय है वहाँ पर आए, महिलाओं के बीच में वो बैठे, आज महिलाओं को लैपटॉप और विधायकों को लैपटॉप भी दिया गया और उनसे बात किया, उन्होंने उनके साथ चाय पिया, उनके साथ नाश्ता किया और महिलाओं को उन्होंने सम्मानित भी किया। तो कुल मिलाकर जो मातृशक्ति को सम्मान देने की प्रेरणा और जो काम करने की इच्छा थी विधानसभा अध्यक्ष की वो फलीभूत हुई, और इस बात को लेकर हालांकि जो जितने भी सदस्य थे वो कुछ इस भाव में थे कि आज तो मैडम बोलेंगी और मैं सुनूंगा, और सारी मैडमों ने बोला और सारे विधायकों ने उन्हें सुना। सभी, खास बात ये थी कि कोई अपने क्षेत्र में नहीं गया था, कहीं कोई बाहर नहीं था, कोई अनुपस्थित नहीं था, सभी की उपस्थिति वहां थी और सभी चुप होकर सुन रहे थे, और ये एक अच्छी परंपरा है, कोई टोका टाकी नहीं था। और जो विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका थी वो एक अभिभावक की भूमिका के तौर पर वो सामने दिखे, परिलक्षित हुए, और वो महिला विधायकों से कह रहे थे कि ये नियम कैसा है, इस नियम में क्या है, नहीं आता है तो मैं बताता हूँ, नहीं बता पाता हूँ तो जो सीनियर महिला विधायक हैं उनको वो टॉस कर देते थे कि आप बताइए क्या होता है। तो संसदीय परंपरा को, विधायी परंपरा को समझा, बिल्कुल बढ़ाने और बिल्कुल एक तरीके से उन्हें दक्ष करने की कोशिश, दक्ष करने की कोशिश। वीरेश, मैं चाहूंगा कि जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको जरूर आप उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर का नजारा दिखाइए, और क्या खास आज जो लाइटिंग है वो और दिनों से इतर है, क्यों खास है, क्या खास है, वो तस्वीरें जरूर दर्शकों को दिखाएं आखिर में जल्दी से। देखिए, ये विधानमंडल दल की तस्वीर है, क्योंकि आज इतिहास लिखा गया है देश की सबसे बड़ी विधानमंडल में, और ये उसकी बाहर की छटा है, अंदर की छटा हमने एबीपी गंगा में दिखाया कि कौन क्या बोला, और ये बाहर की छटा है, ये मनोरम छटा है, खूबसूरत तरीके से सजाया गया विधानसभा अध्यक्ष की पहल पर, जो खूबसूरती आज अंदर सदन के अंदर देखने को मिली, वही छटा, वही खूबसूरती, वही रंग, वही रोगन, वही लाइटिंग, वही व्यवस्था, दैदीप्यमान होते हुए इस विधानसभा की गुंबद को देखिए और किनारे लगे हुए इसकी खूबसूरती को देखिए। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि हौले हौले बड़े आहिस्ते से पूरे इस विधानसभा को दिखाइए, क्योंकि आज पूरे देश में ये साक्षी बना है, इतिहास बनाया गया है। मात्र शक्ति को सलाम करते हुए, प्रणाम करते हुए आज सभी को मौका दिया गया है। विशेष दिन था आज, क्योंकि मात्र शक्ति को समर्पित आज दिन था। आज केवल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में महिलाओं ने ही बोला, विधायकों ने बोला, महिला विधायकों ने बोला, अपनी बातों को रखा, अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को रखा, उन्हें सीखने का मौका मिला, और ये जो शानदार तरीके से सजाया और निखारा गया है इस विधानसभा को, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की तारीफ करते हुए सभी सदस्यों ने मेज थपथपाई, सत्ता दल के नेता और विपक्ष के नेता ने भी उनकी तारीफ की, उनकी इस नई पहल की सराहना की। मैं फिर अपने इस कैमरे के माध्यम से टेलीविजन स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के इस दृश्य को दिखाकर ये बताना चाहता हूं कि आज का दिन रोहित जी बेहद शानदार, बिल्कुल शानदार, ऐतिहासिक, और वीरेश आप भी इस इतिहास के गवाह बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। बहरहाल
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।